नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 1 जनवरी 2023, यानी नया महीना तो शुरू ही हुआ है, साथ ही नए साल की भी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों आज मैं आया हूँ OTT कैलेंडर लेकर के जनवरी 2023 का, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी के महीने में कौन सी वेब सीरीज आएगी, किस OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी और कब आएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर ही लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अपनी बात शुरू करने से पहले एक जरूरी बात ये कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। दोस्तों आज पहली तारीख है, नया साल है और तरह तरह के सेलिब्रेशन चल रहे हैं। हमारी सोसाइटी में भी एक सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। अब इसके कारण थोड़ी जो है ऑडियो में दिक्कत हो सकती है, कुछ अलग अलग आवाज़ें आपको आ सकती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप उन आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। और देखिए सब अपना काम कर रहे हैं तो हम भी अपना काम करते हैं और एक एक करके इन वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, तो आप उसी पे कंसंट्रेट भी करिएगा। दोस्तों आज पहली तारीख है और नेटफ्लिक्स पे ही आज एक सीरीज रिलीज हो चुकी है, लेडी वार इसका नाम है। ये है ब्राजीलियन सीरीज, इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं। कहानी है एक हैकर की जो कि एक डेंजरस इन्वेस्टिगेशन में पड़ जाता है। फिर 2 दिन ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला, फिर 4 जनवरी को आप देख पाएंगे मैडॉफ द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। बर्नी मैडॉफ एक नाम है, एक चर्चित नाम है, बिगेस्ट पोंजी स्कैम उनके नाम है, और उन्हीं के राइज एंड फॉल की कहानी आप इसमें देखेंगे। ये भी आने वाली है नेटफ्लिक्स पे। फिर दोस्तों 5th को नेटफ्लिक्स पे ही आप देख पाएंगे कॉपनहेगन काउबॉय। यहाँ कहानी है एक महिला की जिसको कि कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ मिल जाती हैं और फिर वो उसका इस्तेमाल रिवेंज के लिए करती हैं, तो ये सीरीज़ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। दोस्तों 5 तारीख को ही फिर आप नेटफ्लिक्स पे ही देख पाएंगे वुमेन ऑफ द डेड। ये एक ऑस्ट्रियन सीरीज है, हिंदी में भी आएगी। एक महिला की कहानी है जिनको ये लगता है कि उनकी पति की मौत के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, उनको ये लगता है कि उनके पति की हत्या की गई थी और उसी का बदला वो लेना चाहती हैं। 6 जनवरी को फिर अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे आने वाली है द रिग। ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर सीरीज होने वाली है, पहला सीजन आएगा इसके, 6 एपिसोड इसके आने वाले हैं। फिर दोस्तों 6th को ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आप देख पाएंगे ताजा खबर। चर्चित यूट्यूबर भुवन बाम इसमें लीड रोल में है। भुवन एक सफाई कर्मचारी होते हैं और जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं और फिर कुछ खतरा भी उनके इर्द गिर्द मंडराता है। इसी तरह की कहानी आप देखने वाले हैं। दोस्तों फिर 6th को ही सोनी लिव पर आने वाली है 3 सीज। ये एक तेलुगु सीरीज है, कहानी है 4 दोस्तों की। ये लोग पार्टी मनाने गए थे, वहीं पार्टी में बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो एक क्रूज पे थे, लेकिन हैरत की बात ये कि 4 में से 1 दोस्त गायब था। दोस्तों फिर 6 जनवरी को ही सोनी लिव पर आप देख पाएंगे स्टोरी ऑफ थिंग्स। ये एक तमिल एंथोलॉजी है जिसमें 5 एपिसोड आने वाले हैं। 6 जनवरी को फिर G5 पर आप देख पाएंगे शिकारपुर। ये एक बांग्ला सीरीज है, कहानी है कैस्टो की जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और अपने इलाके में हो रहे कत्ले आम की गुत्थी वो सुलझाना चाहता है। फिर दोस्तों 1-2-4 दिन का गैप, 12 जनवरी को आप देख पाएंगे वाइकिंग वलाला, जिसका कि 2रा सीजन आएगा, नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं। 13 जनवरी को अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे हंटर्स का फाइनल सीजन आने वाला है और 13 जनवरी को ही नेटफ्लिक्स पे आने वाली है एक सीरीज ट्रायल बाय फायर। दिल्ली का उपहार अग्निकांड एक चर्चित मामला है, इसको लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं, खबरें छपती रही हैं, तो इसी उपहार अग्निकांड पर ये सीरीज बेस्ड होने वाली है।
फिर दोस्तों 13th को ही नेटफ्लिक्स पे आप स्काई रोजो का तीसरा सीजन देख पाएंगे। फिर 19th को एक सीरीज आ रही है, नाम है द 90s शो, ये आ रही है नेटफ्लिक्स पे, आप इसको देख सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ एक कपल की कहानी है जिनकी पोती उनके साथ रहती है और फिर उनकी पोती के कुछ यंग दोस्त उनके साथ रहने के लिए आते हैं। दोस्तों 19th को ही नेटफ्लिक्स पे आप देख पाएंगे वुमेन एट वार, ये एक फ्रेंच सीरीज है, इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं। कहानी है 1914 की, जब जर्मन ट्रूप्स फ्रांस में घुस आए थे और उस समय वहाँ की स्थितियों में क्या बदलाव आया था, लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा था, यही आप इसमें देखेंगे। दोस्तों फिर 20th को यानी 20 तारीख को नेटफ्लिक्स पे एक टर्की सीरीज आ रही है, नाम है शामरन, और ये सीरीज आप हिंदी में भी देख सकते हैं। फिर 20 को ही फौदा का चौथा सीजन आने वाला है, आप जानते ही हैं कि ये एक इजरायली सीरीज है और ये नेटफ्लिक्स पे आएगी। फिर 20 यानी 20 को ही नेटफ्लिक्स पे एक और सीरीज आने वाली है, उसका नाम है शैंटी टाउन। यहाँ कहानी है एक ग्रुप की जो कि एक नोटोरियस क्रिमिनल के चंगुल में फंस गया था और अब उससे निकलना चाहता है। फिर दोस्तों कुछ दिन के गैप के बाद 27 पे यानी 27 जनवरी को आप देख पाएंगे लॉकवुड एंड कंपनी, ये भी आने वाली है नेटफ्लिक्स पे। कहानी है कुछ दोस्तों की और वो कुछ रहस्य को सुलझाना चाहते हैं कि एक जगह पर यह कहा जाता है कि भूत रहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि वाकई भूत है या कोई और कहानी गढ़ी गई है। तो ये सीरीज भी आप हिंदी में देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ मूवीज़ की जो कि जनवरी के महीने में OTT पर हमको देखने को मिलेंगी, और जल्दी जल्दी से मैं मूवीज़ का नाम आपको बता देता हूँ। दोस्तों 6 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे आप देख पाएंगे मुंबई माफिया, ये मुंबई के क्राइम वर्ल्ड की कहानी है, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है। दोस्तों फिर 6 को ही नेटफ्लिक्स पे आप देख पाएंगे द पेल ब्लू आइज। 6 को सोनी लिव पर आने वाली है सऊदी वलाका, ये एक मलयालम मूवी है। फिर 13 तारीख को नेटफ्लिक्स पे आएगी डॉग गॉन, ये भी इंग्लिश में आने वाली है। और 20 तारीख को एक महत्वपूर्ण और बड़ी रिलीजिंग होने वाली है, 20 को नेटफ्लिक्स पे आप देख पाएंगे मिशन मजनू, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रश्मिका मंदाना, शारिब हाशमी इसमें मुख्य कलाकार हैं। दोस्तों 20th को ही आप एक कोरियन फिल्म भी देख पाएंगे, एक साईफाई फिल्म है, नाम है जुंग ई। फिर 20 तारीख को G5 पर आप देख पाएंगे छतरी वाली, ये फिल्म है रकुल प्रीत सिंह की, सुमित व्यास भी इसमें दिखने वाले हैं, और जिस तरह से इस फिल्म का ट्रेलर है उससे तो यही लगता है कि एक सही निर्णय ये लिया गया है कि इसको OTT पे डाल दिया गया है, कुछ पैसे मेकर्स को मिल गए होंगे, सिनेमा थिएटर में तो कोई उम्मीद ऐसी थी नहीं। और दोस्तों फिर 27th को अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पे एक फिल्म आने वाली है, नाम है शॉटगन वेडिंग। तो दोस्तों ये थी पूरी लिस्ट जनवरी में आने वाली वेब सीरीज और मूवीज की। इस वीडियो के बाद भी जाहिर है बहुत सारी अनाउंसमेंट होंगी और जो भी नई अनाउंसमेंट होंगी उसकी जानकारी फिर मैं समय समय पर आपको दूंगा ही। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जनवरी के महीने में कौन सी वेब सीरीज या मूवी के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, किसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। धन्यवाद।